Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our class with Saraswati Mata Mantar. Om Ehikali Maha Saraswati Deviye Nama. Om Dev Guru Vidyadipate Vraspate Nama. So let's start with today's class. In this class, I am going to teach you first, second, and fifth part of second sum from your exercise 3.4 of your NCERT. So let's start. Now I am going to read the statement of first question. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. Students, अब आपको मैंने previous lectures में इसको हमने जब 3.3 discuss करी थी तो उसमें भी हमने numerator और denominator वाला question discuss किया था. तो same तरह से हम उस question को start करेंगे. कैसे करेंगे? हम लिखेंगे let numerator is equal to x and denominator is equal to y. Therefore, fraction is equal to x by y. तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई f. Therefore fraction is equal to x by y. अब हम सिंपल यहां पर अपनी स्टेटमेंट बनाने के लिए सिंपल अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखते हैं और दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी. इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर. अब हमें सिर्फ न्यूमिरेटर में 1 एड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है. द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगी. अब आपको मैंने मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे. इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. सेकंड फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें क्या एड करना है? 1. तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2. एक इक्वेशन आप यहां से बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हम कौन सा मेथड कर रहे थे इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट? हम बात कर रहे थे इलिमिनेशन मेथड की. तो अब आप इसकी दो इक्वेशंस बनाकर उसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. इलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट्स, आप में से जो भी फर्स्ट टाइम अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इसका प्रीवियस लेक्चर चेक करना चैनल पर, वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है हाउ टू सॉल्व ए इक्वेशन विद इलिमिनेशन मेथड. अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूं. जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी. मैं इक्वेशन बनाऊंगी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकंड को जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. एक मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूं, आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स. x माइनस y इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. तो इलिमिनेशन में हमें इलिमिनेट करना होता है. बाय चांस हमारे पास x वेरिएबल सेम दिया हुआ है तो ये आपस में इलिमिनेट हो जाएगा. यहां पे बचेगा -x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 3. अब इसको कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में ले जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. तो x की जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे, जहां पर जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी सिंपल करके ये वाली, इसमें x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? 3 माइनस y इज इक्वल टू -2. ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, y उधर चला जाएगा. तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 5 और x आ गया 3. तो हम आंसर लिखेंगे द रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होती है, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाय y. x का आंसर 3, y का आंसर 5. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3/5. अब आपको मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डिस्कस किया हुआ है आपके साथ इसका फिफ्थ क्वेश्चन, फिक्स चार्जेस वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, और ये सेकंड क्वेश्चन एज वाला आज आपका क्लास वर्क रहने वाला है. ये आप मुझे भी कर सेंड करेंगे वीडियो के बाद. फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं. फिफ्थ क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स. हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है. अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज. एक फिक्स्ड चार्जेस है, एक एडिशनल चार्जेस. तो आप फिक्स चार्जेस को x मान लो और एडिशनल चार्जेस को y मान लो. अगर वो 3 दिन बुक रखती है तो ₹27 देती है. 3 दिन, कितने दिन बुक रखती है? 3 डेज. तो फिक्स लगेगा 3x, फिक्स तो आएगा ही आएगा. टोटल है 7 डेज, 7 डेज में से 3 डेज का चला गया, 3 डेज ये चला गया फर्स्ट 3 डेज. तो बाकी कितने दिन बचा? 4 दिन. तो 4y बराबर है 27. पहली इक्वेशन, इफ ही कैप्ट फॉर 7 डेज, अगर 7 डेज के लिए रखती है तो ₹21 देनी है.
तो 3 का x चला गया। अब हमारे पास सॉरी स्टूडेंट हमारे पास था फर्स्ट थ्री इफ चार्जेस फॉर द फर्स्ट थ्री डेज एंड एडिशनल चार्जेस रीता पे 27 रुपीज इफ शी केप्ट फॉर ए 27 रुपीज पे करेगी अगर वो 7 डेज के लिए रख रही है तो x प्लस 4y बन गया। शी विल पे 21 फॉर 5 डेज अगर वो 5 दिन रखेगी तो 21 रुपए पे करेगी। तो 5 दिन x 3 दिन के लिए x चला गया 2y बराबर है 21 के। दो इक्वेशंस बनेंगी आप इनको सॉल्व करें आपका आंसर निकल जाएगा। यहां पर अच्छी तरह समझेंगे स्टूडेंट यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 डेज का फिक्स है एडिशनल वाई अगर वो 7 डेज रखती है तो 27 और अगर वो 5 डेज रखती है तो 21। तो हमने कैसे पुट करना है 3 के लिए हमने x माना और 7 में से 3 गए 4 बचेगा 5 के लिए 3 के लिए x माना 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। ये दो इक्वेशंस बनेंगे और हम इन्हें सॉल्व करेंगे। आज आपका होमवर्क में ये तीनों क्वेश्चन रहने वाले हैं आपकी फेयर कॉपी के अंदर फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट और क्लास वर्क में आप ये वाला पार्ट मुझे कर अभी सेंड करेंगे। थैंक्स हैव अ नाइस डे।